हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है मटर पुलाव। ये पुलाव झटपट बन भी जाता है, कुकर में खाने में बहुत लाजवाब होता है। इसे चाहे आप चटनी के साथ खाइए, सलाद के साथ खाइए या रायता के साथ। तो आइए देखते हैं टेस्टी मटर पुलाव कैसे बनता है। एक गिलास छोटा चावल लिए हैं, ये नया चावल है। अब इसे धो लेंगे, इन्हें अच्छे से धो के रेडी कर लेना है। चावल धुल गया है, अब इसमें पानी डाल देंगे। चावल को ज़्यादा देर तक फूलने के लिए नहीं रखेंगे, 15 मिनट तक इसको फूलने देंगे। गैस पर कुकर गर्म होने के लिए रख दिए हैं। कुकर गर्म हो गया, इसमें 4 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं या जो ऑयल खाते हैं। ऑयल गर्म हो गया, 2 मीडियम साइज़ का प्याज काट के रखे हैं, इसे ऑयल में डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। प्याज को गोल्डन कलर का फ्राई करना है, बराबर चलाते रहेंगे तो ये जलेगा नहीं, अच्छे से फ्राई हो जाएगा। प्याज गोल्डन कलर का हो गया, अब इसे निकाल ले रहे हैं और इसके साथ थोड़ा सा ऑयल भी निकाल लिए हैं। जब हम पुलाव में डालेंगे तो ऑयल से पुलाव में शाइनिंग आएगा। अब जो ऑयल बचा हुआ है उसको फिर से गर्म कर रहे हैं। 2 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, लौंग 4 पीस, 1 टुकड़ा दालचीनी का, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सोया जीरा, 10-12 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, इसको बीच से काट लिए हैं, 2 छोटी इलायची, 2 टुकड़ा जावित्री लिए हैं। इन सब चीज़ों को डाल दिए, ऑयल में गरम मसाले चटकने लगे हैं, इनको भी चलाते हुए फ्राई किए हैं ताकि ये जले नहीं। अब 4-5 पीस इसमें हरी मिर्ची बीच से काट के डाल दिए, इन्हें भी मिला लेंगे। अब 1 मीडियम साइज़ का आलू छील के धो के काट के रखे हैं, इसको ऑयल में डाल देंगे। 1 पीस गाजर को भी काट के धो के रखे हैं, इसे भी डाल दिए। 1 कटोरी हरा मटर छील के रखे हैं, फ्रेश मटर है, इसे भी डाल देंगे और इन सब सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। 4-5 मिनट तक सब्जियों को फ्राई होने देंगे। सब्जियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं, सब्जियों का कलर चेंज हो गया है। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट रखे हैं भर के, इन्हें डाल देंगे और सब्जियों के साथ इन्हें मिक्स करेंगे। इनको भी अच्छे से भून लेना है, 1 मिनट तक लहसुन अदरक को भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। लहसुन अदरक सब्जियों के साथ भून गया है, अब इसमें 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल दिए, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच डालें, 2.5 चम्मच हम नमक डाले हैं, आप अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा। और इन सब चीज़ों को मिला लिए, 1 मिनट तक मसालों को भून लिए। 2 बड़े साइज़ का टमाटर कटा हुआ इसमें डाल देंगे और इन्हें मिला लेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक 2-3 मिनट तक पका लेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसमें पानी डालेंगे। जिस गिलास से हम चावल नापे थे उसी गिलास से पानी नापेंगे। 1 गिलास चावल लिए थे और 2 गिलास से कम इसमें हम पानी डालेंगे, क्योंकि कुकर में बना रहे हैं, पतीली में बनाते तो 2 गिलास डालते। देखिए 1 गिलास से इतना कम पानी हम डाले, मतलब पूरा पानी 1.5 गिलास से ज़्यादा 2 गिलास से कम डाले हैं। अब इन्हें मिला लेते हैं। अब इन सब्जियों को पानी के साथ 5 मिनट तक पकने देंगे। इनको पकते हुए 5 मिनट हो गया है, अब जो चावल हम धो के रखे थे उसका पानी गिरा दिए और कुकर में डाल देंगे।
सभी चावल को डाल दिए। अब इन्हें मिला लेंगे। चावल, पानी, सब्जियां सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब कुकर में ढक्कन लगाएंगे। दो सीटी तक पुलाव को पकने देंगे। पुलाव को पकते हुए दो सीटी हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। कुकर से प्रेशर निकल गया। अब पुलाव को देख लेते हैं, इन्हें चला लेते हैं। ये तो अच्छे से पक गया है, नए चावल का है, फिर भी देखिए खिला खिला तैयार हुआ है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और जो हम प्याज फ्राई करके रखे थे आयल के साथ निकाल के इसमें डाल देंगे। प्याज डाल दिए, जो आयल बचा है इसे भी डाल दिए, इससे पुलाव में सहन आएगा। अब मिला ले रहे हैं इन्हें। पुलाव बन के रेडी हो गया है। अब इन्हें सर्व करेंगे। पुलाव झटपट बन के रेडी हो गया, ये खाने के लिए तैयार हो गया है। किसी मेहमान के आने पे समय कम है तो इस तरह से पुलाव आप झटपट बना के खिला सकते हैं। बच्चों को भूख लगा है तो भी आप जल्दी से बना सकते हैं। तो इस तरह से मटर पुलाव एक बार आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।